महाबाहु ब्रह्मपुत्र के किनारे हो रहे हैं सशक्त। पूर्वोत्तर भारत लिख रहा है अपना सुनहरा वक्त। देश के दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा स्वप्न पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र के विकास की ओर। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला। इसी विजन को साकार करने हेतु सामने आया प्रोजेक्ट महाबाहु ब्रह्मपुत्र। अंदाजन 3,200 करोड़ के खर्च से निर्मित हो रहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट कुछ इस तरह आकार लेगा। इस सूची में सबसे पहले आता है जोगीघोपा में निर्मित हो रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बनने से यहाँ रेल, सड़क एवं इनलैंड वाटर यानी कि नदी के रास्ते कार्गो मूवमेंट को नई दिशा मिलेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ आसाम और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे शुरू करने जा रही है जिबोंडिंगा स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेसल, जिसके तहत स्थानिक नौका चालकों को पुरानी बोट को बदलकर मॉडर्न इंजन से सज्जित नई नावों के निर्माण या अधिग्रहण में आर्थिक रूप से सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ मौजूद समय में चल रहे फ्लीट का सुरक्षा सर्वेक्षण करके उसके लिए फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के कार्य को भी गति मिलेगी और पूरी फ्लीट को सुरक्षा सज्जित रखने के लिए पुराने हो चुके GPS रिसीवर्स, कंपास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसी नवीनीकरण के साथ साथ आसामी उत्पादों के आवागमन हेतु बनाई जाएगी कम्युनिटी जेटी, जैसे कि फल एवं सब्जियों के लिए, चाय के उत्पादों के लिए, एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए, फिशरीज के लिए और फर्टिलाइजर के लिए कम्युनिटी जेटीज। कम्युनिटी जेटी की बदौलत छोटे बड़े लोडिंग व्हीकल को आसानी से लोड अनलोड किया जाएगा। छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ बढ़ेगी बड़ी बड़ी जरूरतें और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाएंगे परमानेंट टर्मिनल्स, जिसके तहत नॉर्थ एवं साउथ गुवाहाटी, जोगीघोपा, माइया, सोनामुरा जैसे बड़े और प्रमुख स्थानों पर परमानेंट टर्मिनल्स का निर्माण होगा। जैसे जैसे बड़े स्थलों पर परमानेंट टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा, वैसे ही छोटे स्थलों पर मॉड्यूलर टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा। मॉड्यूलर टर्मिनल्स पानी पे तैरते ऐसे टर्मिनल्स हैं जो कि पानी के प्रवाह के आधार पर एक या दूसरी जगह स्थापित किए जा सकते हैं। इन सारे ट्रांसपोर्टेशन का सीधा लाभ यहाँ के पर्यटन को भी मिलेगा और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेंगे वाटर एरोड्रोम टर्मिनल्स, जो कि पानी के सतह पर लैंड होने वाले हवाई जहाज के जरिए तेज आवागमन का एक विश्वसनीय स्रोत बनेगा। कार्य कर रहे सभी टर्मिनल एवं वेसल के संस्थागत, नियामक एवं सुरक्षा आयामों को बढ़ाया जाएगा और नेविगेशन सिस्टम के साथ रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम को सभी वेसल में शामिल किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र में बना नेशनल वाटरवे 2 एवं बराक नदी पे बना नेशनल वाटरवे 16 इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए पूर्व एवं उत्तर पूर्वीय भारत को सुचारू कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही मौजूद जेटी का मॉडर्नाइजेशन होगा और उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। विकास के मार्ग पर चल रही शिप को कोई भी अड़चन का सामना ना करना पड़े, इस हेतु शिप रिपेयर फैसिलिटी का निर्माण किया जाएगा। इन सारे निर्माणों के मूल में है समृद्ध पूर्वोत्तर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन की बदौलत ब्रह्मपुत्र के किनारों का विकास लेकर आएगा रोजगारी के नए अवसर और बड़े ही गर्व से ले चलेगा हमें समृद्ध पूर्वोत्तर से संपन्न भारत की ओर।